नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं सवाई आपका अध्यापक विषय इतिहास। साथियों, हम पढ़ रहे हैं 11th कला वर्ग के विश्व इतिहास के बारे में, और विश्व इतिहास के नंबर एक विषय के बारे में हम पहला वीडियो बना चुके हैं। उसके अंदर पहला विषय जो है समय की शुरुआत, समय की शुरुआत से संबंधित हम एक ऑलरेडी पाठ चढ़ा चुके हैं। इसके अंदर हमने प्रारंभिक मानव होमो के बारे में पढ़ा, होमिनिड के बारे में पढ़ा, होमिनिडो के बारे में पढ़ा, साथ ही होमो सैपियंस के बारे में पढ़ा, और इसी चैप्टर पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने ऑस्ट्रलोपिथेकस के बारे में भी जानकारी ली थी। साथियों, विषय एक समय की शुरुआत पार्ट टू के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं प्रारंभिक मानव जो है इसका उद्भव, जिसमें हम दो मॉडल पढ़ने वाले हैं। साथ ही इस चैप्टर के माध्यम से हमें ये जानकारी भी मिलेगी कि प्राचीन जो मानव है इसके प्राचीन जो साक्ष्य हैं, उदाहरण है, जीवाश्म है, वो हमें कहां कहां किस देश से कब मिले हैं इसके बारे में भी जानकारी लेंगे, और आदि मानव के क्रम, शिकार, हंटिंग या अपमार्जन के बारे में भी हम जानकारी लेंगे, वो किस प्रकार अपनी उदर पूर्ति करता था इसके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा शुरू करने वाले हैं। तो शुरू करने वाले हैं पार्ट टू समय की शुरुआत से, और शुरू करते हैं सबसे पहले आदि मानव का उद्भव। आदि मानव के उद्भव या उत्पत्ति के बारे में इस पार्ट के अकॉर्डिंग दो मत प्रचलित बताए जाते हैं। इसमें आधुनिक मानव के उद्भव या उत्पत्ति के दो मत प्रचलित बताए जाते हैं। इनमें पहला मत है आपके प्रतिष्ठापन मॉडल और दूसरा है क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल। ये दोनों ही मॉडल लिए गए हैं मानव की उत्पत्ति से संबंधित। एक में बताया जाता है कि मानव की उत्पत्ति एक ही जगह पर हुई, और एक में बताया जाता है कि मानव की उत्पत्ति अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विविधताओं के अनुसार इसकी उत्पत्ति बताई जाती है। तो इन दोनों मॉडल के बारे में हम सविस्तार जानकारी ले लेते हैं। आधुनिक मानव का उद्भव, दो मत प्रचलित कौन कौन से, पहला है प्रतिष्ठापन मॉडल। प्रतिष्ठापन मॉडल का अर्थ क्या होता है, तो प्यारे साथियों विद्यार्थियों जरूर ध्यान रखना और इसे नोट डाउन करना अपनी डायरी के अंदर। इनका अर्थ क्या बताया जाता है प्रतिष्ठापन मॉडल का, कि मानव जो है मानव का उत्पत्ति या उद्भव एक ही स्थान अर्थात अफ्रीका में बताया जाता है। कहाँ बताया जाता है, अफ्रीका में बताया जाता है, और यह मत जो है मानव के दिखाई देने वाले लक्षणों की क्षेत्रीय विविधताओं के आधार पर आधारित है, क्षेत्रीय विविधताओं के आधार पर आधारित है। और प्रतिष्ठापन मॉडल का जो मॉडल दिया गया है, ये इस प्रकार से बनाने को भी आपको पूछा जा सकता है। इसमें यह दर्शाया गया है कि आधुनिक मानव या मानव की उत्पत्ति जो है यह अफ्रीका के अंदर हुई थी। अब अफ्रीका के अंदर जो मानव है इसका कैसा रूप देखने को मिलता है, तो मैंने पहले बताया कि मानव जो है इसके जो वंशज है या फिर पूर्वज जो बताए जाते हैं ये वानर या लंगूर बताए जाते हैं। चूंकि अफ्रीका के अंदर जो मानव की उत्पत्ति बताई जाती है, इसमें प्रारंभिक जो मानव बताया जाता है वो गुरिला या चिंपांजी के मापिक बताया जाता है, गुरिला या चिंपांजी। दूसरी बात जो ये है कि लक्षणों की क्षेत्रीय विविधता, अर्थात अफ्रीका में बहुत ज्यादा तापमान रहता है, गर्मी ज्यादा पड़ती है, जिसके कारण यहाँ पर जो मानव पाए जाते थे वह काले रंग यानी इनके संपूर्ण शरीर के ऊपर बाल हुआ करते थे और दिखने में चिंपांजी और गुरिला के बराबर बताए जाते हैं। तो साथियों, हमने प्रतिष्ठापन मॉडल के बारे में जानकारी ले ली। वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ कि इनका अर्थ बताया जाता है कि मानव का उद्भव या उत्पत्ति एक ही स्थान पर हुआ, जिसे अफ्रीका का कहा जाता है, और यह मत मानव के दिखाई देने वाले लक्षणों की क्षेत्रीय विविधताओं के आधार पर आधारित है। बात कर लेते हैं दूसरे मत के बारे में, क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल, अर्थात मानव की उत्पत्ति अनेक क्षेत्रों में अलग अलग मनुष्यों की उत्पत्ति का जिक्र हमें पढ़ने को मिलता है। अलग अलग जब उत्पत्ति के बारे में जब हम पढ़ने को मिलता है, तो इसमें होमिनिड है, होमो सैपियंस है, या भी होमिनाइडो के नाम से भी इन मनुष्यों की जानकारी हमें पढ़ने को मिलती है। और क्रमिक विकास जब मनुष्य का हुआ है तो वो अलग अलग कंडीशन के अंदर दिखने लगा था। तो सुनिए आप कि मानव की उत्पत्ति अनेक क्षेत्रों में,
अर्थात क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल का अर्थ होता है कि मानव की उत्पत्ति अलग अलग अनेक क्षेत्रों में मानव की उत्पत्ति दर्शाई जाती है, उसे क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल के नाम से जाना जाता है। और एग्जांपल के तौर पर आपसे पूछा जा सकता है कि क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल के अनुसार मानव की उत्पत्ति किन जगहों पर बताई जाती है, तो सर्वप्रथम नाम आता है यूरोप, उसके बाद में आता है अफ्रीका और उसके बाद में एशिया, जो आपको मैंने क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल बनाकर आपके सामने शो कर दिया है। साथियों, पहला मॉडल प्रतिष्ठापन मॉडल और दूसरा क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल के बारे में हम जानकारी ले लिए। अब हम ये जानकारी ले लेते हैं कि आदि मानव के जो प्राचीनतम जीवाश्म यानी फॉसिल्स मिले हैं, पुराने अवशेष मिले हैं प्राचीनतम मानव के, वो किन किन देशों से मिले हैं और कब मिले हैं, ये जानकारी मैं बता देता हूँ। देशों के नाम मैंने यहाँ पर आपके लिख दिए हैं, लेकिन समय जो मैं बताऊंगा आपको ओरल रूप में ही बताऊंगा, इसको जरूर नोट डाउन करना, आप ध्यान से सुनना कि आदि मानव के प्राचीनतम जो साक्ष्य देखने को मिलते हैं, इनमें जो प्रमुख स्थान बताए जाते हैं, इनमें पहला इथियोपिया और ओमा, इथियोपिया और ओमा, दूसरा दक्षिण अफ्रीका, तीसरा मोरक्को, चौथा इजराइल, पांचवा ऑस्ट्रेलिया, छठा बोर्निया और सातवां फ्रांस बताया जाता है। अब हर एक क्षेत्र के समय के बारे में बता देता हूं कि इन क्षेत्रों पर प्राचीन मानव के जीवाश्म कब मिले थे, इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले बात आती है इथियोपिया और ओमो से। तो इथियोपिया और ओमो से आदि मानव के जो प्राचीन जो जानकारी पढ़ने को मिलती है, वो मिलती है 195,000 से लगाकर 160,000 वर्ष पूर्व, जरूर नोट डाउन करना, 195,000 से 160,000 वर्ष पूर्व ये जीवाश्म बताए जाते हैं मानव के इथियोपिया और ओमो से। फिर बात आती है दक्षिणी अफ्रीका की। दक्षिणी अफ्रीका से जो प्राचीन मानव के जीवाश्म मिले हैं, उनका समय मैं बता देता हूं आपको, ये बताया जाता है 120,000 से 50,000 वर्ष पूर्व के, 120,000 से 50,000 वर्ष पूर्व के ये जीवाश्म कहां से हमें मिले हैं, पुरातत्वविदों या फिर आर्कियोलॉजिस्ट को वो जगह बताई जाती है दक्षिण अफ्रीका। फिर बात आती है मोरक्को। मोरक्को अफ्रीका का ही जगह बताया जाता है। मोरक्को से आदि मानव के प्राचीन जो अवशेष समय देखने को मिलते हैं, उनका समय क्या बताया जाता है, तो मोरक्को अफ्रीका के अंदर प्राचीन मानव के जो अवशेष देखने को मिलते हैं, ये 70,000 से लगाकर 50,000 वर्ष पूर्व के अवशेष प्राचीन मानव के जीवाश्म यहाँ पर मिले थे। फिर बात अगर इजराइल की करें, तो इजराइल जो देश है, यहाँ पर जो प्राचीन मानव के साक्षी या फिर फॉसिल्स मिले हैं, जीवाश्म मिले हैं, उनका जो कार्बन 14 पद्धति के अनुसार जो समय निर्धारित किया गया है, वो है आपके 1,00,000 से लगाकर 80,000 वर्ष पूर्व के यह जीवाश्म देखने को मिलते हैं। फिर बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप बताया जाता है, जो चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है और चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ, साथ ही इसके बीचों बीच ग्रेट विक्टोरिया और सेंचुरियन नामक अफ्रीका सॉरी रेगिस्तान बताया जाता है। अफ्रीका सॉरी ऑस्ट्रेलिया से जो प्राचीन मानव के जीवाश्म देखने को मिलते हैं, समय क्या देखने को मिलता है ऑस्ट्रेलिया से मिले इन प्राचीन अवशेषों का, तो 45,000 से लगाकर 35,000 वर्ष पूर्व के ये जीवाश्म हमें मिले थे। फिर बात कर लेते हैं बोर्निया द्वीप समूह की। तो बोर्निया द्वीप समूह के ऊपर जब आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा उत्खनन किया गया था, तो यहाँ से जो अवशेष मिले हैं आदि मानव के जीवाश्म के, उनका जो समय हमें देखने को मिलता है प्यारे साथियों, वह 40,000 वर्ष पूर्व बताया जाता है। कितने हजार वर्ष पूर्व? 40,000 वर्ष पूर्व के बताए जाते हैं। फिर बात कर लेते हैं फ्रांस। फ्रांस से प्राचीन मानव के जो फॉसिल्स या जीवाश्म मिले हैं, उनका जो समय हमें देखने को मिलता है, यह 35,000 वर्ष पूर्व का बताया जाता है। अब हम आगे बात कर लेते हैं साथियों कि प्राचीन मानव जो बताया जाता है आदि मानव, अब आदि मानव जो है ये अपनी उदर पूर्ति किस प्रकार किया करता था, उन्हें किन किन तरीकों से जानना है, हमें कौन कौन सी चीजें खाकर वो उदर पूर्ति करता था, इसके बारे में हम जानकारी ले लेते। तो सुनिए बात कर लेते
करते हैं हम आदि मानव के भोजन प्राप्त करने के तरीकों के बारे में। तो आदि मानव जो भोजन प्राप्त करने के अनेक तरीके बताए जाते पाठ्य पुस्तक के अनुसार, जिनमें जिनमें बीज, गुठलियां, बेर, फल, फूल, कंदमूल इकट्ठा करना और वरण पोषण करना अपना, इनके अलावा चूहे, छिछंदर, पक्षियों व उनके अंडों को खाकर, कीड़े मकोड़ों आदि को खाकर यह मानव जो है अपनी उदर पूर्ति किया करता था। अब उदर पूर्ति करने के 3 से 4 बड़े पैमाने पर तत्व हमें देखने को मिलते हैं। इनमें सबसे पहले होता है संग्रहण। मैंने पहले बता दिया कि मानव जो है ये समय के साथ में कदम ताल मिला के क्रमिक विकास की तरफ आगे बढ़ चुका था। खाली पेट भरना ही नहीं, उसे गैदरिंग यानी इकट्ठा करना भी उसे समझ में आ गया था अपने बुरे वक्त के लिए। तो सुनिए आप, पहला है इसके अंदर भोजन प्राप्त करने के तरीकों का अर्थ संग्रहण। संग्रहण का अर्थ होता है गैदरिंग, यानी मानव जो है जहां कहीं भी इसे खाने को कुछ भी मिल जाता था उसे वो बटोर कर अपने रिहायशी इलाके में लेकर आ जाता था और काफी समय तक उसका यूज करता था, उसे गैदरिंग या संग्रहण के नाम से जाना जाता है। फिर बात करते हैं शिकार। अनेक अनेक छोटे जीव जानवर जंतुओं का शिकार करके मानव जो है ये अपनी उदर पूर्ति करता था। चूंकि हमने सातवीं पार्ट फर्स्ट के अंदर पढ़ लिया था कि आदि मानव जब उसको पता नहीं था कि वह मानव है, वो ईश्वर की सबसे सर्वोत्कृष्ट उत्कृष्ट रचना है, लेकिन जब उसको खुद को ही पता नहीं कि वो मानव है तो उस कंडीशन के अंदर जब उसकी उदर पूर्ति की बात आती है तो ये बताया जाता है कि वो जीवित जानवरों के शरीर से पार्ट्स को निकाल कर खा जाता था। उसे अपनों का कोई मतलब पता नहीं था कौन अपना कौन पराया है। तो सुनिए आप, शिकार, शिकार का मतलब हंटिंग अर्थात मानव जो है उदर पूर्ति करने के लिए हंटिंग को भी अपनाता था। वो हंटिंग के अंदर कौन कौन से खूंखार उनके जो औजार बताए जाते हैं इनके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। औजार की जो टेक्निक है वो क्या कहलाती है इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। होमो हैबिलिस के बारे में, इरेक्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आगे बात करते हैं नंबर 3, अपमार्जन। जब मनुष्य भोजन प्राप्त करने के तरीकों की बात करें तो अपमार्जन वह रूप बताया जाता है जिसके अंदर मानव जो है ये मृत शरीर या मारे गए जानवर की हड्डियों से अस्थि मज्जा निकाल कर उसे खुरेद कर अपनी उदर पूर्ति करता था, उसे अपमार्जन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? अपमार्जन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा मानव जो है यह मछलियों को पकड़ना, मछलियों का शिकार करना आदि भी कार्य करके अपनी उदर पूर्ति करता था। साथियों, हम आदि मानव के बारे में पढ़ रहे हैं तो शिकार एक चैप्टर हमने पढ़ा अभी। तो शिकार संग्राहक जो प्रारंभिक जातियां हमें देखने को मिलती है विश्व के अंदर अपनी पाठ्य पुस्तक के अनुसार, उनके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। तो सर्वप्रथम अफ्रीका में शिकारी संग्राहकों के साथ में प्रारंभिक में संपर्क में आए अफ्रीका की एक जाति जिसका नाम कुकशेन जाति। अब कुकशेन जाति वह जाति बताई जाती है कि दूसरे इलाकों से जो भी लोग आते थे इनके पास में, ये दूसरे लोगों से डरा करते थे और दूसरे लोग जो हैं इन्हें डरा कर धमका कर मार कर काट कर किसी भी प्रकार इन्हें हैंड्स ओवर या फिर प्रतिबद्ध होने के लिए मजबूर कर देते थे अर्थात गुलाम कर सकते थे। यह कुकशेन जाति जो रेगिस्तान अर्थात अफ्रीका के कालाहारी रेगिस्तान में पाए जाने वाली एक शिकार संग्राहक जाति के रूप में जानकारी देखने को मिलती है और इसके साथ इनका जो जिक्र हमें पाठ्य पुस्तक में मिलता है यह जो जाति है ये 1870 के अंदर इसके ऊपर प्रकाश डाला गया था और 1870 के अंदर ये अफ्रीका की पशु चारक जाति के रूप में भी विख्यात बताई जाती है। आगे पाठ्य पुस्तक के अनुसार एक और जाति के बारे में, जनजाति के बारे में पढ़ने को मिलता है जिसका नाम हाजा। हासा जो जनजाति है इसके बारे में बता देता हूं कि हासा जो है ये छोटा जन समुदाय जो लेक इयासी
यानी खारे पानी की झील जो बताई जाती है, इसके अपभ्रंश घाटी के अंदर ये लोग रहा करते थे और यहाँ पर हर एक जानवर शिकार के लिए उपलब्ध था। किस जानवर को छोड़कर? यहाँ पर जो जानवर हैं इनमें हाथी को छोड़कर हर एक जानवर का शिकार यहाँ पर लोगों के द्वारा किया जाता था। किसके द्वारा? हादसा जनजाति के द्वारा। बहुत ही फला फुला एरिया था, पानी की भरपूरता थी, शिकार अवेलेबल था, यहाँ पर भूखे मरने की स्थिति लोगों के पास में नहीं थी। इसे हादसा जनजाति के नाम से जाना जाता है, जो का सॉरी आपकी लेक एसी जो अपभ्रंश घाटी बताई जाती, झील बताई जाती, इसके चारों तरफ ये जाति फैली हुई थी और यहाँ पर हर एक शिकार के लिए जानवर उपलब्ध बताया जाता है। सब लोग जो हैं हाथी को छोड़कर सब जानवरों का शिकार करते थे। और इसके अलावा यहाँ पर सर्वाधिक जो जनसंख्या है लोगों की, हारसा जनजाति की, जो छोटा जनसमूह था, इनमें ये जो लोग पाए जाते थे इनमें सर्वाधिक लोग मांसाहारी हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? मांसाहारी हुआ करते थे और वर्षा काल में पानी की यहाँ पर भरपूरता रहती थी। इसके बारे में भी आपके पाठ्य पुस्तक में जिक्र पढ़ने को मिलता है। लेकिन कुछ वर्षों बाद में 5-6 किलोमीटर से यहाँ पर लोग पानी लेने के लिए जाते थे, पानी की यहाँ पर बड़ी किल्लत देखने को मिलने लगी है। हादसा जो जन समूह का जिक्र हमें पढ़ने को मिलता है, प्यारे विद्यार्थियों, जन समूह भोजन का 80% जो भाग है यह वनस्पति और 20% जो भाग है शहद और मांस के द्वारा अपनी उदर पूर्ति करते थे। 80% प्रकृति यानी वनस्पति के ऊपर ये डिपेंड रहते थे। कंदमूल है, पौधे हैं, गुठलियां हैं, आदि को खाकर ये अपनी उदर पूर्ति करते थे और 20% जो हैं ये जंगली मधुमक्खियों को, मधुमक्खियों से प्राप्त शहद है या फिर इनके अलावा हंटिंग यानी शिकार करके, जानवरों का शिकार करके ये अपनी उदर पूर्ति किया करते थे। तो साथियों, हमने दो जातियों के बारे में पढ़ा, प्रतिस्थापन मॉडल के बारे में पढ़ लिया और इसके अलावा आदि मानव के जो प्राचीन जीवाश्म मिले थे इनके बारे में भी सविस्तार हमने जानकर ले ली, उनकी कालक्रम के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात कर लेते हैं आदि मानव के जो औजार हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रारंभिक मानव जो हैं इनके औजारों के बारे में। तो प्रारंभिक मानव के जो औजार है, तो ये तो पहले हमने पढ़ा था कि होमो हैबिलिस वह मानव प्रजाति थी जिनके द्वारा, जिन्हें औजार बनाने वाले मानव कहा जाता था। तो सर्वप्रथम हमें यह देखना है इस चैप्टर के माध्यम से कि मानव जो है इसके जो औजार हैं वो सर्वप्रथम किसके बनाए गए थे? पत्थरों के। और पत्थरों के औजार बनाए जाने वाले जो मानव के पूरा अवशेष कहां पर मिले हैं ये भी सवाल पूछा जा सकता है। और मानव किस कंडीशन का जो मानव बताया जाता है, कंडीशन हमने पढ़ी थी जैसे ऑस्ट्रलोपिथेकस है वगैरह वगैरह। तो सर्वप्रथम औजार बनाने वाला मानव क्या कहलाता है ये जानकारी हम ले लेते हैं। मानव के औजार जो है ये किस टेक्निक से बनाए जाते थे, इनमें कौन कौन सी वस्तुएं यूज ली जाती थी और किस प्रकार के औजार हुआ करते थे ये जानकारी ले लेते हैं। सुनिए, प्रारंभिक मानव के औजार होमो हैबिलिस पहले पढ़ चुके हैं हम, और पत्थर के औजारों का सर्वप्रथम साक्षी एवं उदाहरण हमें इथोपिया और केनिया से पढ़ने को मिलता है और ये अफ्रीकन कंट्रीज बताए जाते हैं, पूरा स्थलों से प्राप्त हुआ और ये संभव है कि ऑस्ट्रलोपिथेकस ने ही सर्वप्रथम औजार, पत्थर के औजार बनाए थे। बात कर लेते हैं प्राचीन मानव जो हैं इनके द्वारा जो औजार बनाए गए थे, इस तकनीक को क्या कहा जाता है, इसे पंच ब्लेड तकनीक के नाम से जाना जाता है। अब पंच ब्लेड तकनीक जो है ये औजार 3 वस्तुओं से बनाए जाते थे। कितने वस्तुओं से? जिनमें सर्वप्रथम पत्थर, पत्थरों में जो औजार बनाए जाते थे किस प्रकार का पत्थर लिया जाता था? लाइमस्टोन, जो तेज दरार और भारी पत्थर होता था जिससे छीलने, खुरचने, चीरने, फाड़ने आदि के औजार बनाए जाते थे मानव के द्वारा। दूसरा है लकड़ी, लकड़ी का भी हैंडएक्स के रूप में ये यूज लिया करते थे। और उसके अलावा मृत शरीर वाले जानवर के शरीर से हड्डियों का बड़ा सा पार्ट्स निकालकर, जैसे पैर की हड्डी है, हाथ की हड्डी है, इनको भी ये अक्सर अपने औजार के रूप में काम में लिया करते थे। सामने मैंने आपके 4 से 5 प्रकार के पंच ब्लेड तकनीक के औजार आपके सामने रखे। इनके अलावा एक और औजार का मैंने यहाँ पर जिक्र किया जिसे बाणाग्र कहते हैं।
बाणाग्र का अर्थ क्या होता है कि पत्थर को छील कर, क्या करके, पत्थर को छील करके इसे किसी लकड़ी के ऊपर विभिन्न लताओं के माध्यम से बांधकर आधा यू आकार की लकड़ी लेकर इस बाणाग्र को रखा जाता था। हाथ से पकड़कर हाथ के संपूर्ण वेग के साथ में इस बाण को आगे फेंका जाता था। तेज तरार आगे दौड़ने वाला जानवर जब ये बाण ये लगता था तो वो घायल होकर मृत अवस्था में पहुंच जाता था, जिसका शिकार कर लिया जाता था। तो 5 से 6 प्रकार के मैंने औजारों के बारे में बात कर ले साथियों। अब हम बात कर लेते हैं कि पाठ्य पुस्तक के अनुसार जो इम्पोर्टेंट तथ्य आए हैं आपके सामने, जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। नंबर 1, तो पहला जो तथ्य है कि सर्वप्रथम दफनाने की प्रथा का प्रचलन कब बताया जाता, प्रथम साक्ष्य कब बताया जाता दफनाने की, मृत शरीर को दफनाने की प्रथा यह बताई जाती है लगभग 3 लाख वर्ष पूर्व। जरूर नोट डाउन करना, ध्यान रखना, और जरूर मेरे की हर एक पॉइंट को ध्यान रखना, इसे नोट डाउन करना, अपनी डायरी के अंदर जरूर लिखना प्यारे विद्यार्थियों। नंबर 2, दूसरी है स्वरतंत्र का विकास। स्वरतंत्र का विकास यानी संप्रेषण के लिए, भाषा के लिए स्वरतंत्र यानी गले का, थ्रोट का जो विकास बताया जाता है कितने वर्ष पूर्व बताया जाता है, पहले का बताया जाता है तो लगभग 2 लाख वर्ष पहले यह बताया जाता है, और भाषा का विकास जो हुआ है यह 20 लाख वर्ष पहले का बताया। आगे बढ़ते हैं नंबर 3, नर्मदा घाटी। भारत में आदि होमो सेपियंस की खोपड़ी का प्रथम साक्ष्य कहां पढ़ने का, कहां से मिला है, नर्मदा नदी की घाटी के अंदर मिला है। होमो सेपियंस खोपड़ी का प्रथम उदाहरण जो पूरा अवशेष प्राचीन फॉसिल्स के उत्खनन के आधार पर ये मिला था। और ये समय कब बताया जाता है इसका, नर्मदा घाटी से होमो सेपियंस की जो खोपड़ी मिली है इसका समय बताया जाता है आपके लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व से लगाकर 1,30,000 वर्ष पूर्व का इनका कालक्रम, उस खोपड़ी का कालक्रम कार्बन 14 पद्धति के अनुसार मापा गया था। नंबर 4, नियंडर मानव का प्रादुर्भाव पृथ्वी पर कब बताया जाता है, उत्पत्ति कब बताई जाती है, तो नियंडर घाटी स्पेंस जो हमें मिला है, तो नियंडर घाटी के अंदर मानव का जो प्रारंभिक तथ्य जो साक्ष्य मिला है, कंकाल मिला है खोपड़ी का, यह बताया जाता है लगभग 1,30,000 वर्ष पूर्व। और अगर पूछ ले कि नियंडर घाटी मानव जो पाए जाते थे नियंडर घाटी के अंदर उनका विनाश कब हुआ, तो लगभग 35,000 पूर्व इसका विनाश हमें देखने को मिलता है। नंबर 5, चूल्हे का इस्तेमाल का प्रथम साक्ष्य, अग्नि का जो जब आविष्कार हुआ तो उसके बाद में खाना जो है पकाकर खाया जाने लगा होमो सेपियंस के द्वारा, तो सर्वप्रथम चूल्हे का जो साक्ष्य उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है वो समय बताया जाता है 1,25,000 वर्ष पूर्व। और आगे बढ़ते हैं नंबर 6, पक्की मूर्तियां, आग में पकी हुई मण मूर्तियां जो बनाई गई है मानव के द्वारा, वो खुदाई के दौरान जो मिली है यह 27,000 वर्ष पूर्व की यह मूर्तियां, जिसे मण मूर्तियां भी कहा जाता है, जो आग के अंदर पकाई जाती है, मिट्टी से निर्मित लेकिन आग के अंदर पका कर उसे मजबूत बना दिया जाता है। आगे बढ़ते नंबर 7, सिलाई वाली सुई का आविष्कार, यह समय बताया जाता है 21,000 वर्ष पूर्व। फिर बात करते हैं हिमयुग का यंत्र, हिमयुग का इस पृथ्वी के ऊपर अंत कब हुआ था समय पूछा जा सकता है, तो हिमयुग का अंत बताया जाता है पृथ्वी के ऊपर 13,000 वर्ष पूर्व का। आगे बढ़ते हैं नंबर 10, पत्थर के औजारों का प्रथम साक्ष्य केन्या और इथोपिया से हमने पढ़ लिया है, यह साक्ष्य बताया जाता है 35,000 वर्ष पूर्व, जो अभी हमने औजारों के बारे में पढ़ा था। नंबर 11, खुले में निवास और गुफाओं के अंदर निवास का प्रचलन जो है यह प्रचलन आपके 4 लाख वर्ष पूर्व से लगाकर 1,25,000 वर्ष पूर्व तक के बताए जाते हैं। और शिकार का स्पेशली प्रचलन जो है अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, यह 5 लाख वर्ष पूर्व से बताया जाता है, लेकिन योजनाबद्ध तरीके से जो शिकार करने की जो प्रक्रिया है साथियों यह 35,000 वर्ष पूर्व बताई जाती है। तो साथियों हमने 11th आर्ट्स कला वर्ष के विश्व इतिहास का पहला विषय, पहला अध्याय समय की शुरुआत जो है 2 पार्ट्स के अंदर संपूर्ण विश्लेषण और विभिन्न तथ्यों के बारे में जानकारी ली है। धन्यवाद।